और देखिए नामांकन का दौर चल रहा है और आपको हम सीधे लिए चलते हैं पलामू, जहां आज एनडीए की तरफ से भी और आईएनडीआईए की तरफ से भी उम्मीदवार जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश वहां से जुड़ रहे हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश देखिए, पलामू से आईएनडीए की बात करें तो ममता भुइयां पर इस बार जो है दावा लगा है, और इस बार कौन कौन से स्टार प्रचारक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके नामांकन के दौरान कौन कौन से मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं राकेश? अब बिल्कुल देखिए, नामांकन का दौर जारी है और अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से बीडी राम, वो समरणालय पहुँचे हैं नामांकन को लेकर। हालांकि बहुत सादे अंदाज में पहुँचे हैं, बहुत तामझाम नहीं है जी। बिल्कुल जो एक प्रोटोकॉल होता है नामांकन को लेकर, उसी प्रोटोकॉल के तहत वो पहुँचे हैं। पहले ये कहा गया था सुष्मिता की तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के या एनडीए के, उनके साथ वो पहुँचेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी जो चीज़ें थी उसको बदली गई और बिल्कुल सादे अंदाज में वो नामांकन के लिए पहुंचे हैं। दूसरा जो नामांकन होना है, महत्वपूर्ण नामांकन है, आरजेडी के तरफ से यहाँ ममता भुइयां पर दाव लगाया गया है। इंडिया अलायंस की तरफ से वो उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो वो लगभग 1 बजे के आसपास समरणालय पहुंचेंगे अपने नामांकन को लेकर। और उम्मीद जताई जा रही है कि उनके नामांकन में बिहार के कई बड़े चेहरे, आरजेडी के कई बड़े नेता, चाहे आप श्याम रजक की बात कर ले, अब्दुल बारिक सिद्दीकी की बात कर ले, तो इस तरीके के जो बड़े चेहरे हैं वो उनके नामांकन के वक्त मौजूद होंगे। झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो कि आरजेडी कोटे से हैं, वो भी नामांकन के वक्त मौजूद होंगे। सत्यानंद भोक्ता डाल्टनगंज मेदिनीनगर पहुँच चुके हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी उनके नामांकन के वक्त में, उनकी भी मौजूदगी होगी। तो और दोनों के नामांकन के बाद जो एक बड़ी सभा होनी है मेदिनीनगर में ही, तो उस पर सबसे ज़्यादा जोर है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, और वहाँ नेताओं की जो बड़े चेहरे हैं वो आपको उस रैली में, चुनावी सभा में आपको नजर आएंगे। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, तो एक बार 2019 के समीकरण की बात करते हैं राकेश। बीडी राम और गुरन राव, इन पर जो है पिछले बार हमने टक्कर देखी थी, और इस बार ममता भुइयां है। पिछले बार काफी जो है मत का अंतराल रहा था, लगभग 7 लाख से ज्यादा वोट जो है वो बीडी राम को मिले थे, गुरन राम के अगर अगेंस्ट में बात करें तो। इस बार ममता भुइयां, समीकरण बदल गया है, क्या परिणाम बदलेगा? देखिए, मुकाबला दिलचस्प है, इससे इनकार नहीं है, और आरजेडी ने बीजेपी के तर्कस से ही जो उम्मीदवार है उस पर ही दाव लगाया है, क्योंकि ममता भुइयां पहले बीजेपी में ही थी, उनको उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे बीडी राम पर ही दाव लगाया है। बीडी राम को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की जो जनता है, मेदिनीनगर की जो जनता है, वो उनको हैट्रिक का मौका देगी। लेकिन ममता भुइयां को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से ही वो गई है और महिलाओं के बीच में अच्छी पकड़ मानी जाती है उनकी, तो उस लिहाज से देखें तो पलामू की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं इस बार आपको दिलचस्प नजर आएगा, और उसको लेकर एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रखी है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने भी अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। तो ये जो सीट है आप देखेंगे कि इसमें भी कांटे का टक्कर दिखेगा, लेकिन 2019 की परिस्थितियां अलग थी, अभी 2024 है, 2024 की परिस्थितियां अलग हैं, तो ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि यहां भी जो है एक शानदार फाइट की उम्मीद की जानी चाहिए। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। पलामू ही लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत भी लगातार बने हुए हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। सत्यव्रत देखिए, आज ये नामांकन का दौर है, दो शीर्ष ऐसे उम्मीदवार जो आज नामांकन करने वाले हैं, बीडी राम और ममता भुइयां। ममता भुइयां के लिए ये पहली बार होगा क्योंकि बीजेपी से वे शामिल हुई है इसमें, और इस बार आरजेडी के कोटे से इन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया है। क्या कुछ लगता है समीकरण कितना बदलाव कर सकता है? देखिए, फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अपने प्रत्याशी जो है वो अपनी तरफ से मैदान में आज से उतर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉमिनेशन के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और जैसे ही नॉमिनेशन खत्म होगा दोनों प्रत्याशी, चाहे वो महागठबंधन दल से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार ममता भुइयां हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बीडी राम, वो दोनों जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और आज चूंकि नॉमिनेशन का दिन है, नॉमिनेशन के बाद से चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लग जाएंगे। यही कारण है कि आज पलामू के इस
धरती पर कई बड़े नेताओं के आने की सूचना है। फिलहाल जो बीके सिंह हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, वो पलामू पहुंच चुके हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल के जितने बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी जो है उनके आने की सूचना है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो है वो पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि यह जो है वो पलामू का समरणालय है, जहां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी राम जो है वो पहुंच चुके हैं और बड़े ही सादे तरीके से पहुंचे थे। चूंकि आपको पता है कि नॉमिनेशन के लिए अपना एक अलग प्रोटोकॉल है और उसी प्रोटोकॉल के तहत जो है वो बड़े ही सादे लिबाज में पहुंचे हैं और जैसे ही यहां से निकलेंगे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी है और सीधे जो है वो कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। आप देखिए कि दूसरे जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो हैं वो पहुंच चुके हैं पलामू समरणालय और नॉमिनेशन में जो है वो हिस्सा लेंगे। फिलहाल आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंचे हैं और मैंने आपको बताया कि आज से पलामू के लिए महत्वपूर्ण, चूंकि चुनावी इस सियासत में जो है आज से सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। बाबूलाल मरांडी जो हैं वो पहुंचे हैं समरणालय, बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि सर आपके जो प्रत्याशी हैं वो गए हैं नॉमिनेशन के लिए। अरे यार अभी नहीं होगा ना, आचार संहिता है भाई, आप कैंपस में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसका निर्वाह किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंच गए हैं पलामू समरणालय और अपने प्रत्याशी के नॉमिनेशन में जो है वो हिस्सा लेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह जो है वो भी पलामू पहुंच चुके हैं और जैसे ही बीडी राम जो है वो नॉमिनेशन कर बाहर निकलेंगे, जो जनसभा का आयोजन किया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके अलावा बीके सिंह जो कि पलामू पहुंचे हैं इस पूरे नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए वो मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से पलामू के इस मौसम में गर्मी की जो तपिश देखने को मिल रही है, नॉमिनेशन के बाद जो है वो सियासी पारा जो है वो भी पलामू में बढ़ जाएगा। सुष्मिता, बिल्कुल, सत्यव्रत अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या है पलामू का समीकरण और क्या कहती है जनता इन सबके बीच। नामांकन का दौर और आज पलामू के लिए विशेष दिन, क्योंकि पलामू से बीजेपी के बीडी राम और इंडी गठबंधन की ममता भुइया अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन का दौर है पलामू से बीजेपी के बीडी राम और इंडी गठबंधन की ममता भुइया आमने सामने। इस बार 2024 के चुनाव में इनका ये रण देखने को मिल रहा है। बीडी राम दाखिल करेंगे चुनावी पर्चा और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह इस दौरान भी शिरकत करने वाले हैं। तस्वीरें अब आप देखिए, हमने तस्वीरें दिखाई जब बाबूलाल मरांडी पहुंचे, अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पलामू से, जहां पर सांसद बीडी राम के समर्थन में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। जितनी जितनी बढ़ेगी उतना भाजपा को फायदा होगा। ओवरऑल अगर पहले फेज के चुनाव को देखे तो ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? देखिए, हर फेज अपना एक अलग वो है, अलग अलग तरीके से, और जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है, पलामू की धरती से कमल ही उगेगा। चलिए, उम्मीद है इनको कि पलामू की धरती से कमल उगेगा, क्योंकि नामांकन में जाना है लिहाजा बहुत समय ये अभी नहीं दे पाए हमें। हम फिर से एक बार जब वो नामांकन से लौटेंगे, बीडी राम के नामांकन से, तो एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके का कॉन्फिडेंट जनरल बीके सिंह ने दिखाया है, उनको लग रहा है कि हर फेज का अपना एक ट्रेंड होता है, तो पहले फेज का जो ट्रेंड था, जरूरी नहीं है कि दूसरे फेज का जो प्रक्रिया शुरू होगी चुनाव की तो वही ट्रेंड होगा। ट्रेंड बदलेगा और पलामू में कमल खिलेगा, इस उम्मीद के साथ वो नामांकन के लिए पहुंचे हैं।
सुष्मिता। बिल्कुल राकेश, तो देखिए बाबूलाल मरांडी पहुंच गए हैं, जनरल वीके सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की है। वीके सिंह से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है, एक बार वापस से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए उनको चूंकि नॉमिनेशन में जाना था लिहाजा बहुत वक्त वो नहीं दे पाए, दो तीन सवाल ही वो ले पाए हमारा, और हमने पूछा कि पलामू की तपिश क्या कह रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पलामू में कमल खिल के रहेगा, पूरी उम्मीद है, पलामू की जनता बीजेपी के साथ है। और ओवरऑल जो पहले फेज का चुनाव हुआ है सुष्मिता, जिसमें 102 सीटों पर मतदान हुआ, तो बीजेपी उससे उत्साहित है। बीजेपी को लग रहा है कि पहले फेज का जो ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो टारगेट सेट कर रखा है कि अब की बार 400 पार, तो उस आंकड़े के आसपास बीजेपी रहेगी। हालांकि ये भी कहा गया कि हर जो ट्रेंड होता है चुनाव में वो फेज बाय फेज बदलता है, तो पहले फेज का जो ट्रेंड था ये जरूरी नहीं है कि दूसरे फेज का जो चुनाव होगा उसमें उसी तरीके का ट्रेंड होगा, हो सकता है कि ट्रेंड और बदले। तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जी के साथ पहुंचे हैं, और जब नामांकन के बाद जब बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। सुष्मिता बिल्कुल राकेश, तो देखिए नामांकन का दौर चल रहा है, कई दिग्गज जो है वो नामांकन कर रहे हैं, और ऐसे में आप आगे भी बने रहिएगा राकेश, और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।